हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस कैसे हैं आप लोग होपफुली अच्छे होंगे तो आज हमने सी सैट प्रैक्टिस सीरीज़ जो कि हमने स्टार्ट किया था फॉर 23 एंड 24 इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे लेक्चर 29 और जो है हमने इसमें ऑलरेडी जो है 28 लेक्चर्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किया बहुत सारा क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया कैट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए और आपको पता है इस फ्री इनिशिएटिव के थ्रू जो है आपने बहुत कुछ सीखा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ठीक है इस तरह के चैप्टर्स एवरेज एंड एलिगेशन इस तरह के चैप्टर्स को हमने अच्छे से देखा थ्रू क्वेश्चन आज भी कुछ मिक्स बैग ऑफ़ क्वेश्चन हैं परमोटेशन से है और आपका जो है आप बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी एक बेसिक क्वेश्चन है और कुछ कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं तो चलिए करते हैं सॉल्व विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ठीक है तो चलिए करते हैं स्टार्ट माई नेम इज़ अंशुमन एंड लेट सी लेक्चर ट्वेंटी नाइन इन आर सी सैट प्रैक्टिस सीरीज पहला क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ द फर्स्ट सिक्सटीन टर्म्स ऑफ एन ए पी हु फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म आर फाइव एंड फिफ्टीन रेस्पेक्टिवली आपको बताना है कि सम क्या होगा फर्स्ट सिक्सटीन टर्म्स का एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले आपको ये जानना चाहिए What इज एपी AP? A.P. क्या होता है कि इसमें जो टर्म्स होते हैं इसके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है जैसे कि एग्जांपल अगर आप अगर आप सारे नंबर्स को अगर सीक्वेंस में भी ले लें तो वो भी एक एपी होता है वन टू थ्री फोर यहाँ हर नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है वन का ठीक है तो ये दिस इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस इसके अलावा कुछ भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है आपको पता है टू है टू के बाद आप जो है फोर लिख सकते हैं फिर सिक्स यहाँ पर कॉमन डिफरेंस टू है कितना भी डिफरेंस जो है आप ले सकते हैं कितना बड़ा भी ए हो सकता है लेकिन उसमें जो डिफरेंस है दैट मस्ट बी इक्वल ठीक है इक्वल डिफरेंसेस होता है तो अब आपसे पूछ रहा है कि किसी भी uh, uh, मतलब ए uh, में ठीक है आपको उस ए का फर्स्ट सिक्सटीन टर्म्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म से लेके सिक्सटीन टर्म जितना भी टर्म्स है सबको ऐड करेंगे तो उसका सम बताना है लेकिन आपको दिया क्या हुआ है कि इस ए का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और थर्ड टर्म दिया हुआ है ठीक है तो अगर आप देखिए जनरलाइज करें हम लोग किसी भी ए का फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए ठीक है यहाँ पर मैं कुछ uh, जो है सिम्बल्स यूज करूँगा जो कि जनरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं अब आपका फर्स्ट टर्म ए है और हर टर्म जो है वो एक कॉमन डिफरेंस का जो है वो आप बोल सकते हैं उससे आप प्रोसीड करता है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका आप इसमें सिर्फ डी ऐड करेंगे यानी ए प्लस डी हो जाएगा इसके बाद वाला टर्म क्या होगा ए प्लस डी में आप डी ऐड करेंगे तो ए प्लस टू डी हो जाएगा तो इस तरह से जो है आपका टर्म्स चलता है ए पी में तो कोई भी जनरल टर्म हम लोग बोलें कोई भी टर्म अगर हमें इस ए पी में निकालना है तो उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ए प्लस एन माइनस वन इन डी ठीक है तो अगर बताइए थर्ड टर्म अगर मैं बोलूं इस ए पी का थर्ड टर्म क्या है तो क्या हो जाएगा ए एन के जगह आप क्या पुट करिएगा थ्री थ्री अगर आप पुट करेंगे तो थ्री माइनस वन यानी हो गया टू यानी ए प्लस टू डी अगर आपको थर्ड टर्म जो है इस ए पी का डिनोट करना है तो वो कैसे डिनोट करेंगे ए प्लस टू डी आप यहां पर से भी देख सकते हैं अगर फर्स्ट आपका ए था सेकेंड ए प्लस डी था तो थर्ड टर्म जो है आपका ए प्लस टू डी होगा ठीक है अब देखिए आपको यही पर दिया हुआ है कि आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका फाइव ये ए का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है फाइव ठीक है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन यहां पर लोगों से गलती होता है एक बार अगर आप जानते हैं अरिथमेटिक इथमेटिक प्रोवेशन क्या होता है तो इस पर बेस अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है क्योंकि सी में भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर आपको एपी का कंसेप्ट पता है तो सम किसी टर्म को निकालना इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो ए से पूछा जा सकता है अब देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म फाइव है और आपका जो है अगर आप इसमें टू डी एड करें 5 प्लस टू कर दें तो ये कितने के बराबर दिया हुआ है आपका 15 यानी d जो है वो कितना हो गया जल्दी से बताइए 5 माइनस फिफ्टी फिफ्टीन माइनस फाइव इज टेन और 2d डी इज इक्वल टू तो यानी d इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है तो ap कैसा होगा आपका ap कुछ ऐसा दिखेगा 5 10 15 ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इस तरह का है और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका फाइव ठीक है अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आपसे आपको निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट सिक्सटीन टर्म्स ऑफ एन एपी चलिए हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं आपको जो है फर्स्ट सिक्सटीन टर्म्स यानी अगर आप बोलें तो फाइव टेन ठीक है अप टू जो सिक्सटींथ टर्म होगा इस तक जितने भी टर्म्स हैं इनको ऐड करना है तो आपको पता है सम क्या है सम का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ए पी का क्या फॉर्मूला होता है एन बाई टू जिस टर्म तक आप सम निकाल रहे हैं वो एन यहां पर लिख दीजिए यहां पर इसमें सिक्सटीन होगा उसको हम लोग बाद में पुट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या होता है टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ठीक है ये आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन एपी बेसिकली ये फॉर्मूला क्या होता है अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करो तो इसका एक और फॉर्मूला होता है सम सम इज इक्वल टू एन बाई टू इन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ठीक है किसी भी एपी का अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो दोनों को सम कर दीजिए ठीक है और उसको जो है टू से डिवाइड करिए बेसिकली पूरा एपी का एवरेज निकल के आ जाता है इन टू हम लोग कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इसी फार्मूला को जो है इस टर्म में हम लोग लिख रहे हैं देखिए यहां पर जो है अगर आप टू ए इसको अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे इस फॉर्मूला को तो ये क्या हो जाएगा ए अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए ठीक है A, मैं थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है तो ये ए जो हो गया ये फर्स्ट टर्म है और ये जो है ए आप बोल सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो हो गया ये लास्ट टर्म हो गया तो यही है मैंने मैं इसको ब्रेक डाउन करके लिख दिया फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए अगर आपको ए और डी पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए दोनों को यूज करके आप सब निकाल सकते हैं ठीक है चलिए तो हम लोग यहां पर करते हैं आपको ए और डी पता है तो इस फॉर्मुला में पुट करते हैं राजा दैन की हम लोग जो है सिक्सटीन टर्म पहले निकालें और ये वाला फॉर्मूला यूज करें उससे अच्छा हम लोग डायरेक्टली यहां पर पुट कर देते हैं तो एन की जगह हम लोग पुट करते हैं सिक्सटीन सिक्सटीन बाई और अंदर आपका हो गया टू ए ए जो है आपका फाइव है तो ये हो गया टेन ठीक है और एन माइनस कितना है सिक्सटी तक टर्म तक है तो एन माइनस वन कितना हो गया फिफ्टीन 15 इंटू फाइव बस आप बताइए कितना हो गया फाइव फाइव जै ट्वेंटी फ़ाइव ये सेवेंटी फाइव हो गया ये हो गया सेवेंटी फाइव प्लस टेन इज़ एटी फाइव और टू एट 16 तो एटी फाइव इंटू एट एट फाइव ज़्यादा फोर्टी फोर एट एट सिक्सटी फोर सिक्स यानी सही ऑप्शन कौन सा हो गया आपका ऑप्शन डी ठीक है दोनों फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको क्या दिया अगर आपको किसी एपी का जैसे मैं आपको बोलता कि इस एपी का फर्स्ट टर्म फाइव है और लास्ट टर्म कुछ है और आपको बताना है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको पता है एन का भी वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं लेकिन आपको यहां पर ए पता है और डी पता है तो ये वाला फार्मूला पुट करिएगा आप जो है एपी का सम निकाल सकते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर मैं इसको इसके डिफिकल्टी को बताऊं तो आप जो है इसको टफ में रख सकते हैं ठीक है और एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि आजकल पीएनसी बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है सी साइट के लिए यूपीएससी को काफ़ी मजा आता है पॉम्बोटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछना तो ये चैप्टर आप इस बार ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाएं इससे अगेन आपका सेवन टू एट क्वेश्चंस आपको इस साल भी देखने को मिलेगा ठीक है चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को यहां पर क्या है टेन डिफरेंट लेटर्स ऑफ एल्फाबेट आर गिवन वर्ड्स विद फाइव लेटर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज लेटर्स देन द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड इज क्वेश्चन बहुत बड़ा है और टफ है ये मैं उन्होंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा जब तक आपका पी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे ठीक है तो इसी कारण कुछ जो स्टार्टिंग uh, के लेक्चर्स हैं उसको आप जरूर देखें जहाँ पर पी का कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया है उसके बाद आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर आपको चलिए हम लोग धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं आपको क्या दिया हुआ है कि आपको सेट ऑफ टेन डिफरेंट लेटर्स दिया हुआ है यहाँ पर आपको बोले तो आपके पास टेन एल्फाबेट्स हैं आपके पास टेन एल्फाबेट्स हैं कौन से है वो हमें मतलब नहीं है आपके पास टेन डिफरेंट है लेकिन सब जो है वो डिफरेंट है ए बी सी डी जो भी होगा सब डिफरेंट है अब आपको क्या करना है कि आपको इससे फाइव लेटर वर्ड्स बनाना है फाइव लेटर वर्ड्स बनाना है लेकिन आपको वैसे वर्ड्स बनाना है जिसमें एटलीस्ट वन लेटर रिपीटिंग हो ठीक है जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि यहाँ पर आपके पास टेन एल्फाबेट्स हैं उसमें से एक जो है ए ई आई ओ यू मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए ठीक है ए ई आई ओ यू तो आपको वैसे इससे इस अगर जैसे मैंने ए ई आई ओ यू को चुना यहाँ पर से ठीक है और यहाँ पर अगर मैं उससे वर्ड बना रहा हूँ तो आपको वैसे चाहिए जिसमें एटलीस्ट एक लेटर रिपीट होता हो यानी ऐसा हो सकता है ए ए ठीक है ए ए ई आई आप बोल सकते हैं ए ई आई यू इस तरह का आप वर्ड बना सकते हैं तो आपको ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे ये आपको बताना है अब देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग रिवर्स साइकोलॉजी से सोचेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग सोचते हैं इस तरह से ठीक है मैं आपको फिर से बहुत स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आपको कैसे सोचना है आपके पास टेन अल्फाबेट्स है ठीक है आपके पास टेन अल्फाबेट्स है बिल्कुल धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं उसको बहुत अच्छे से डील किया जाएगा यहाँ पर देखिए अगर आपके पास क्या है फाइव लेटर्स हैं फाइव अल्फाबेट्स हैं इससे आपको वर्ड बनाना है ठीक है फाइव प्लेसेज है आप बोल सकते हैं एक वर्ड बनेगा तो उसमें जो है आपको फाइव लेटर्स यूज़ करना है अब देखिए है क्या कि अगर मैं आपको बोलता कि आप पहले ये ऐसे वर्ड्स बनाइए जिसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है ठीक है कोई भी लिमिटेशन नहीं है हो सकता है आप एक ही अल्फाबेट सारे जगह पुट कर दें ए ए ए ए पुट कर दें ठीक है तो आप वैसा बताइए कि टोटल पॉसिबल वर्ड्स कितना होगा अगर आप बोल रहे हैं कि हम लोग कोई लिमिटेशन नहीं है आप कितना भी लेटर जो है वो रिपीट हो सकता है हो सकता है आप एक लेटर से ही है, जो है पांचों जगह आप यूज करके एक वर्ड बना दें ठीक है तो वैसा कैसे हम लोग इसको सोचेंगे तो इस तरह से सोचिए देखिए हर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है फाइव लेटर्स का पोजिशन है तो हर पोजिशन के पास कितने ऑप्शन गए इस टेन अल्फाबेट से कोई भी यूज कर सकता है कोई ठीक है तो यहां पर हम लोग लिख दिए टेन ठीक है अब नेक्स्ट वाला जो प्लेस है उसके लिए भी आपके पास पॉसिबिलिटी कितना है टेन ही है क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें से अगर हम लोग एक यूज कर लिए तो नेक्स्ट वाले के लिए नाइन है यहां पर क्या है कि रेपिटेशन अलाउड है कितना भी रिपीट हो सकता है हम लोग कोई भी बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हैं कोई भी लिमिटेशन नहीं लगा रहे तो इसके लिए भी आपके पास कितना ऑप्शन हो गया टेन ऑप्शन हो गया इसके लिए भी क्या हो गया ऑप्शन टेन ऑप्शन हो गया इसके लिए भी क्या हो गया टेन हो गया और इसके लिए भी टेन हो गया यानी हर प्लेस के लिए जो है वो टेन टेन ऑप्शन है क्योंकि हम लोग हर रेपिटेशन अलाउ कर रहे हैं तो उस केस में बताइए आपका कितना वर्ड बन जाएगा अगर हम मैं ऐसा बोलता हूं आपकी आपको आप, आपके पास टेन अल्फाबेट्स है और आपको फाइव लेटर वर्ड बनाना है जिसमें रिपीटेशन कितना भी अलाउड है तो आप वैसे कितने वर्ड्स बना देंगे तो आपका कितना आ जाएगा एक लाख वर्ड्स आप वैसा बना सकते हैं ठीक है आपके पास जो आ जाएगा अगर आप यहां देखेंगे तो one, एक और यानी लाख वर्ड्स आप जो है ऐसा बना सकते हैं अब हम लोग कैसे सोचते हैं आपको लेकिन निकालना क्या है कि नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एट लीस्ट वन लेटर रिपीटेड ठीक है इसमें तो सारे पॉसिबिलिटीज आ गए सारा वर्ड्स आ गया लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग वैसा पॉसिबल वर्ड्स निकालते हैं जिसमें एक भी लेटर रिपीट नहीं हो अगर उसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली हमें वैसा ही वर्ड मिलेगा जिसमें एटलीस्ट एक लेटर तो रिपीट होगा ही होगा ठीक है तो अब हमें जो अब हमें निकालना है क्या कि वैसा आप जो है वर्ड्स बनाइए जिसमें एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो ये हमारा स्टैंडर्ड आपको पता है पॉम्बेशन का क्वेश्चन बन गया अगर आपके पास अब है टेन एल्फाबेट आपके पास है टेन एल्फाबेट्स और आपके पास है आपके पास है फाइव प्लेसेस तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस टेन एल्फाबेट से हमें कोई फाइव सेलेक्ट करना पड़ेगा तो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेन सी फाइव वे से आप टेन कर सकते हैं टेन सी फाइव वे से और आप जो है अब जो ये जो फाइव लेटर आप जो आपको मिलेगा इसको आप यहां पर अरेंज करेंगे कैसे आपके पास फाइव प्लेसेज है और फाइव लेटर्स है तो आप कितने वे में अरेंज करेंगे फाइव फैक्टोरियल वे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव फैक्टोरियल और इसी को जनरली हम लोग लिख देते हैं टेन फोर सॉरी 10P5 अब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो वैसे लेट, वैसे वर्ड्स हमें बताएगा जिसमें एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है एक भी क्योंकि हम लोग पांचों डिफरेंट लेटर्स ले रहे हैं और उसे जो है हम लोग डिफरेंट वर्ड्स बना रहे हैं और वो कितना है टेन पी फाइव हम लोग लिख सकते हैं टेन सी फाइव टू फाइव फैक्टोरियल ठीक है आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं अगर आप लोग स्पेस uh, के हिसाब से सोचें तो देखिए फर्स्ट वाले के लिए आपके पास यहां पर से टेन अल्फाबेट है तो फर्स्ट वाले के पास कितना ऑप्शन है टेन दूसरे वाले के लिए अगर बोलेंगे तो क्योंकि हमने एक यूज कर लिया तो आगे वाले के लिए कितना बचा है नाइन उसके बाद अगर यहां पर से एक और यूज कर लिया तो आगे वाले के लिए कितना बचा है एट अगर आप करेंगे सेवन एंड देन सिक्स इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम वैल्यू आएगा जो कि टेन पी फाइव से आता है बस आपका सोचने का तरीका है क्या वर्ड आप लेटर्स के हिसाब से सोच रहे हैं या प्लेसेस के हिसाब से सोच रहे हैं सेम वैल्यू आता है अगर आपने ऑलरेडी

सिक्स जब फोर्टी टू तो आप इसको जल्दी से करिए इंटू टेन हो जाएगा तो इसको करते हैं सेवन टू इंटू फोर्टी टू फोर आपका फोर्टीन दिस इज एट एंड सेवन फोर 28 ट्वेंटी एट तो ये फोर ये हो गया ट्वेल्व दिस इज़ीरो एंड थ्री ज़ीरो टू फोर यानी आपका आ जाएगा थ्री ज़ीरो टू फोर आपका जीरो ठीक है और आपको एक लाख में से जो है तीस हजार के आसपास जो है घटाना है, तो आप ऑप्शंस देख के भी बता सकते हैं कि यहां पर कौन सा होगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका करीबन आएगा ए ऑप्शन सिक्स नाइन सेवन सिक्स जीरो तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए ठीक है बाकी काफी दूसरा है आपको पूरा कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं लेकिन यहां पर देखिए थ्री जीरो टू फोर जीरो भी दिया हुआ है तो जनरली कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपको दिया जाता है लेकिन आपको समझ में आया हुआ कि मैंने कैसे बनाया इस क्वेश्चन को आपने हमने सबसे पहले क्या किया हमने पहले वैसे वर्ड्स निकाला जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कितना भी रिपीटेशन हो सकता है हो सकता है इसमें से बस एक अल्फाबेट लू और उसको सब जगह यूज कर लूं ठीक है तो जब आपके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप कैसा वर्ड बना सकते हैं वन लाख उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने वैसे वर्ड्स निकाले जिसमें एक भी रिपीटेशन नहीं है एक भी नहीं तो

वन हो या इस तरह का हो तो सबसे पहले आप टोटल परमुटेशन निकाल दीजिए उसमें से जो वैसे हैं उसको माइनस कर दीजिए तो आपका जो है वो निकल के आ जाएगा ठीक है ये आसान तरीका है और ये सेफ भी तरीका है चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन है अगेन दिस इज अ ऑफ एंड कॉम्बिनेशन देखिए जिनको भी परेशानी होती है पीएनसी में कि ये क्वेश्चन परमुटेशन है या ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है उनके लिए परफेक्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से उनका जो है बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा यहां पर आपको क्या दिया हुआ है इन हाउ मेनी वेज अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड वाटर बॉय कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टेन पीपल आपके पास क्या है कि यहां पर ग्रुप ऑफ टेन पीपल है आपके पास मैं लिख देता हूं यहां पे यू हैव अ ग्रुप ऑफ टेन पीपल एंड इससे आपको तीन लोग सेलेक्ट करना है आपको बेसिकली थ्री तीन लोग को सेलेक्ट करना है और उसको जो है आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और वॉटर बॉय बनाना है अब देखिए यह क्वेश्चन क्या चीज का हुआ अगर यह क्वेश्चन सिर्फ होता ठीक है अब बताइए कि इसका सही पहले इसका सही ऑप्शन मैं बता देता हूं क्या होगा अभी विदाउट सॉल्विंग मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि इसमें सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है जिनको ये कंसेप्ट पता चल रहा है वो डायरेक्टली इस ऑप्शन को मार्क करेंगे जिनको नहीं पता चल रहा है उनको स्टिल जो है कंफ्यूजन रहेगा उसको हम लोग दूर करेंगे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी टेन पी आप बोलेंगे सर ये टेन सी थ्री की जगह टेन थ्री पी थ्री कैसे हो गया मतलब ये कॉम्बिनेशन की जगह परमुटेशन का क्वेश्चन कैसे बन गया तो इसलिए बन गया देखिए अगर मैं आपको बोलता कि सिर्फ आपको तीन लोग को चुनना है दस लोगों में से तो ये क्वेश्चन बनता कॉम्बिनेशन का ठीक है आपको बनता कॉम्बिनेशन का जैसे मैं आपको बोल रहा हूं आपके पास टेन पीपल है सब सब आ, अलग अलग लोग हैं पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव एंड अप टू पी टेन ठीक है P1, P2, P3, P4, P5, P10, अगर मैं आपको बोलता है कि इसमें से आपको सिर्फ तीन लोग को चूज करना है तो आप किसी भी तीन को चूज कर सकते हैं पी वन पी टू पी थ्री पी टू पी थ्री पी फोर कोई भी चूज हो सकता है कोई भी तीन लोग को आप निकाल सकते हैं तो वो जो आप निकालते हैं ना जो आप तीन लोग को निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन यहां तक का काम हुआ कॉम्बिनेशन का क्योंकि हर बार जो आप निकाल रहे हैं एक तीन लोग का डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकाल के आ रहे हैं और इसको हम लोग सेलेक्शन भी बोलते हैं ठीक है यू आर जस्ट सेलेक्टिंग यहां पर तीन लोग को आप सेलेक्ट कर रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज अ प्रेसिडेंट अ वाइस प्रेसिडेंट अ वाटर बॉय कैन भी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टेन पीपल यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने चूज तो कर लिया तीन पीपल को लेकिन इन तीन पीपल को ये जो तीन पोजिशन आपको असाइन करना है आप कैसे कर सकते हैं अगेन आप कर सकते हैं थ्री फैक्टोरियल वे से ठीक है क्योंकि आप जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूं कि एक बार आपने पी टू पी थ्री और पी सिक्स लिया ठीक है अब देखिए अब आपके पास पोजिशन किसका किसका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड आपके पास वाटर बॉय तो हो सकता है कि एक बार पी टू यहां पर हो पी थ्री यहां पर हो और आपका पी सिक्स यहां पर हो एक बार हो सकता है पी सिक्स यहां पर हो एक बार हो सकता है पी टू यहां पर हो पी थ्री यहां पर हो तो डिफरेंट आप जो है पोजिशन असाइन कर सकते हैं सारे लोग जो है वो बराबर है तो आप किसी को भी कोई पोजिशन असाइन कर सकते हैं तो आपने सबसे पहले सेलेक्ट किया कैसे आप तीन लोग को डिफरेंट लोग को चूज करेंगे उसके बाद थ्री पोजिशन थ्री पोजिशन का बात आ गया अरेंजमेंट का बात आ गया और अरेंजमेंट इज ऑल अबाउट परमुटेशन या परमुटेशन इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट तो इसी कारण आपने सेलेक्ट किया टेन सी थ्री वेज में पहले आपने तीन लोगों को चूज किया उसके बाद आप इनको कैसे असाइन करेंगे पोजिशन इन थ्री फैक्टोरियल वेज क्योंकि तीन लोग हैं तीन पोजिशन है तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं बेसिकली सिक्स तरीके से आप असाइन कर सकते हैं तो ये हो गया थ्री फैक्टोरियल वेज अब टेन सी थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल इज बेसिकली टेन पी आप हम लोग ऐसे ही परमुटेशन लिखते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग क्लास में ही आपको बताया था पमोटेशन इज ऑल अबाउट सेलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट ठीक है जब आपको सैंपल ज्यादा दिया हुआ है और आपको कुछ कम लोगों को चूज करना और उनको अरेंज करना है तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा और फिर जो है आप उसका अरेंजमेंट करेंगे तो यहां पर आपका वैल्यू आ गया दैट इज टेन पी थ्री तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था इसको जो है बहुत लोग गलती करेंगे जिनका पीएनसी जो है अगर क्लियर नहीं है तो उनको डेफिनेटली इसमें जो है परेशानी आएगी

आयरिश जो है फूड पैटर्न्स के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने एक टाइम पे जो है लम्पर पोटैटो को जो है अपना स्टेपल फूड बना दिया था ठीक है इसके पहले जो है बात हो रहा था कि पोटैटो ट्यूबर कहाँ से आया था तो साउथ अमेरिका से आया था यूरोप में सिक्सटीन सेंचुरी में ठीक है और नाइन्टीन सेंचुरी तक जो है ये एक रिलायबल बैकअप बन गया था सीरियल का मतलब सीरियल के अलावा जो है इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा कहाँ पर आयरलैंड में रेन सोग्ड सॉइल्स ऑफ आयरलैंड और सून क्या हुआ कि आयरिशर सून ऑलमोस्ट होली डिपेंडेंट ऑन द पोटैटो मतलब एक टाइम ऐसा था कि सीरियल्स छोड़ के जो है वो पूरी तरह से पोटैटो पर ही जो है डिपेंडेंट हो चुके थे लेकिन एक जो है आपको पता है एक वहां पर इन्फेस्टेंट आया एक फंगस आया जो इसको बोलते हैं फाइटोफ थोरा ठीक है जो भी से मतलब नहीं है जो कि पूरी क्रॉप को बिगाड़ दिया और ऐसा हो गया क्योंकि उनका रिलायबिलिटी इतना ज्यादा हो गया था कि वहां पे फैमिन लाइक -like कंडीशन हो गया और जो कि बहुत लोगों का जिसमें मौत हो गया और काफी लोग डिस्प्लेस्ड हो गए ठीक है मैंने हिंदी में आपको समझा दिया कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या है अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज कौन सा जो है वो क्रिटिकल मैसेज बता रहा है कि इस पैसेज से हमें मिलता है अगेन आपको समझ में आएगा ऑप्शंस को देखें कि सबसे ज्यादा इनकम पासिंग ऑप्शन कौन सा है सबसे मेन थीम जो है इस पैसेज का कौन सा बता रहा है वो ऑप्शन आपको चूज करना है ठीक है और ये आपको गट फीलिंग के ही थ्रू आएगा क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है आप नजदीक पहुंचेंगे ऑप्शन के ठीक है एटलीस्ट दो ऑप्शन तक तो आपको पहुंच जाना चाहिए उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे फर्स्ट है आपका ए फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉरन प्लांट इन टू अ कंट्री द सॉयल एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द कंट्री दैट शुड बी सुटेबल यह भी बहुत सही ऑप्शन है फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉरन प्लांट इन टू अ कंट्री द सॉयल एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दैट कंट्री शुड बी सुटेबल ठीक है एज अ स्टेपल फूड ऑफ अ कंट्री ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो कैन नॉट रिप्लेस सीरियल क्रॉप्स ये भी कुछ हद तक सही है लेकिन देखते हैं क्या कि यह सबसे बेस्ट होगा इसके बाद हम लोग देखते हैं सम ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ प्लांट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप फ्रॉम स्प्रेडिंग अक्रॉस लार्ज एरियाज ये भी किसी हद तक ठीक है कोई पार्ट बता रहा है अभी हम लोग देखते हैं आगे Relying ऑन अ होमोजिनस फूड सोर्स इज नॉट desirable. This दिस इज दी मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बताइए क्यों क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है आयरलैंड का एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि आयरलैंड ने क्या किया कि एक टाइम पे सीरियल्स जितने भी डिफरेंट सीरियल्स होंगे उनके पास राइस वीट मिलेट्स जो भी खाते होंगे वो उसको रिप्लेस कर दिए सिंगल हैंडेडली पोटैटो से अब पोटैटो में फंगस लगा और सारा जो है वो पोटैटो डिस्ट्रॉय हो गया तो वो क्या हुआ कि एक क्रॉप पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि अगर वो क्रॉप फेल कर गया तो पूरा कंट्री में जो है वो फैमिन लाइक -like कंडीशन हो गया और जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का मौत हो गया तो ये किसी भी कंट्री के लिए जो है ये सही नहीं है कि वो एक होमोजिनस फूड पे जो है सोर्स पे डिपेंडेंट हो उसको डाइवर्सिफाई करके जैसे इंडिया के, के केस में सोचिए कि अगर सब लोग राइस खा ले सिर्फ राइस खा रहे हैं ठीक है सिर्फ राइस खा रहे हैं अगर राइस जो है क्रॉप अगर किसी साल खराब हो गया तो हो सकता है कि इंडिया में भी जो है फूड सिक्योरिटी इशूज हो जाए ठीक है तो इसी तरह से किसी भी कंट्री को अपना जो है फूड क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए यही मतलब समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आयरलैंड का एग्जाम्पल लेके चला गया है तो क्रिटिकल मैसेज अगर आप देखेंगे देखिए फर्स्ट वाला भी सही है यहाँ पर भी सही है फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉरन प्लान इन टू अ कंट्री द सॉल एंड क्लाइमेट ये सही है ये भी पार्ट सही है कि आपका किसी भी अगर आप फॉरेन क्रॉप को ला रहे हैं किसी कंट्री में तो वहां पर क्लाइमेट के अनुसार ही वो सूट कर उसको देखकर ही लगाना चाहिए ठीक है हो सकता है क्योंकि वो क्रॉप फेलियर हो जाए वहां पर यह भी इसे पता है लेकिन ये जो पता चल रहा है यहां पर जो आयरलैंड का एग्जाम्पल लेके किया गया यहां पर यह बताया जा रहा है कि कभी भी किसी एक चीज पर जो है सारा दांव नहीं खेलना चाहिए जैसे आयरलैंड ने किया कि वो उन्होंने पोटैटो ही पहले पूरा जो है कंट्री चलाया तो उससे जो है काफी ज्यादा जो है मुश्किल आ जाती हैं तो यहां पर क्या है रिलाइंग ऑन होवोजिनस फूड सोर्सेज नॉट डिजायरेबल जो है वो सबसे प्रोबेबल आंसर लग रहा है तो ऑप्शन शुड भी ऑप्शन डी ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वन वन जो है अच्छा ये है आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको वन, वन वन फोर एट नाइन ट्वेंटी सेवन सिक्सटीन आपको बताना त्व है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा ठीक है चलिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे बनेगा ये देखिए अगर यहाँ पर हम लोग देखें सबसे पहले किसी भी सीरीज़ को आप देखते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि वो किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है ठीक है अब जैसे देखिए वन के बाद वन है ठीक है तो या तो आप इसमें वन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है या तो हो सकता है कि आप हम लोग आगे देखते हैं क्योंकि इसमें एडिशन कुछ नहीं हो रहा है जनरली ऐसा टर्म में क्या होता है कि जनरली जब आपका हो या तो और एक चीज़ और दूसरा ध्यान भी दीजिए कि ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग नहीं है एट नाइन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन के बाद सिक्सटीन है ठीक है तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा इसको वेट करके थोड़ा सा एनालाइज करेंगे ये सारे नंबर्स को आप देखिए ध्यान से ये अगर आपको दिख रहा होगा एट नाइन ट्वेंटी सेवन ये बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर्स हैं। अच्छे नंबर्स किस केस में है? यहां पर देखिए दिस इज गोइंग एन अल्टरनेट सीरीज़ अल्टरनेट सीरीज कैसे चल रहा है देखिए अगर आप यहां पर देखें तो वन है यहां पर और उसके बाद यहां पर फोर है यहां पर नाइन है यहां पर सिक्सटीन है तो ये क्या है बेसिकली दिस इज अ स्क्वायर अगर ऐसा चल रहा है तो क्या है आपका वन का मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ वन का स्क्वायर है ठीक है उसके बाद वाला टर्म को भी हम लोग छोड़ देते हैं ठीक है यहां पर जो है बेसिकली वो क्यूब है अगर आप देखेंगे तो ये है वन का क्यूब और ये है आपका टू का स्क्वायर अगेन है आपका कितना हो जाएगा आपका जो है टू का क्यूब है एट और अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर ठीक है और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर हो गया दिस इज़ थ्री का क्यूब एंड दिस इज़ फोर का स्क्वायर तो जल्दी से बताइए आगे क्या होगा आपका फोर का क्यूब यानी फोर का क्यूब आपका कौन सा हो जाएगा सिक्सटी फोर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है इस तरह की चीज़ है अगर मैं इसको बोलूँ सीरीज़ में तो ये टफ वाले में आएगा ठीक है इसको थोड़ा स्टार्टिंग में सोचना मुश्किल है लेकिन आप जितना सीरीज प्रैक्टिस करके जाएंगे मैं आपको एडवाइस करता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन जो है सी में पूछा जाता है एक क्वेश्चन या हो सकता है दो पूछा जाए आपसे अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो आपके ये फ्री के मार्क्स हैं ठीक है ये आपसे बनने चाहिए और जनरली आपने देखा होगा कि या तो एडिशन सीरीज़ रहता है या तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज रहता है या तो स्क्वायर या क्यूब का सीरीज़ रहता है तो सबसे पहले आप सारे ये सब अप्लाई करके देख लें और जब भी आप इस तरह का नंबर्स देखें ना ट्वेंटी जो कि परफेक्ट क्यूब है या सिक्सटीन जो कि परफेक्ट स्क्वायर है तो आपका एक बार जरूर होना चाहिए लगना चाहिए कि यहाँ पर स्क्वायर का भी कुछ गेम चल रहा है या क्यूब्स का कुछ गेम चल रहा है ठीक है तो इस तरह का चीज़ आप ध्यान रखिए और ये क्वेश्चन में कुछ भी आप बोल सकते हैं फॉर्मूला uh, नहीं है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि आप फिफ्टी क्वेश्चन जो है वो आप दो तीन क्वेश्चन डेली लगाएं फिफ्टी टू हंड्रेड क्वेश्चन आप डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिस करके जाए नंबर सीरीज़ के कोई भी सोर्स से कर सकते हैं कोई भी पी हो सकता है एस का भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन आप उठा के प्रैक्टिस करें बस आप थोड़ा सा अच्छे मोड में रहेंगे और अगर आप इस तरह का क्वेश्चन देख के जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे बन जाएगा ठीक है लेकिन ये आपके फ्री के मार्क्स हैं दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इजिली जो है वो फाइव नंबर्स मिल सकते हैं ठीक है तो आज हमने देखा कुछ अच्छा क्वेश्चन से बस प्रैक्टिस करते रहिए बेस्ट ऑफ लक रहेगा मेरे तरफ से और काफी काफी अब अब हम लोग एंड गेम नजदीक आ चुका है एग्जाम तो अच्छे से तैयारी करिए और इस बार जो है ट्वेंटी आप क्रैक करिए ठीक है थीके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक थैंक यू